हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर हमको अपना कोई भी काम करना हो, किसी भी वेबसाइट पर जाना हो, तो सभी वेबसाइट पर हमको अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। उसके बाद हमको अपना काम कराना पड़ता है। चाहे हमको पैन कार्ड बनवाना हो, वोटर कार्ड बनवाना हो, कोविड सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना हो, राशन कार्ड बनाना हो, या इसके अलावा अगर कोई भी काम है, तो आप हर वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक न्यू वेबसाइट जारी की है। वेबसाइट या पोर्टल का नाम है हमारी ई प्रमाण। अब इस पोर्टल से या वेबसाइट से आपको क्या फायदा होगा, इस पर आपको केवल एक सिंगल यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग आप सभी वेबसाइट या सभी पोर्टल पर कर सकते हैं। मुझे दोस्तों गवर्नमेंट का न्यू पोर्टल पर्सनली काफी पसंद आया है, क्योंकि जब हम नई नई वेबसाइट पर जाकर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, तो हमारे इतने सारे पासवर्ड हो जाते हैं कि हम पासवर्ड वहां पर भूल जाते हैं और हर बार हमको अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना होता है। हमारे मोबाइल पर दोबारा से ओटीपी आता है। तो अब हम इस झंझट से बच सकते हैं, हम केवल एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं कि इस पर हम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस पोर्टल से हम सभी सर्विस का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इन सभी जानकारी के लिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जो गवर्नमेंट ने न्यू जारी की है। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक स्लोगन लिखा है, एक राष्ट्रीय एक ई प्रमाणीकरण सेवा। जैसे हमारा एक पहले भी स्लोगन था, एक देश एक राशन कार्ड, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है कि आप पूरे देश में कहीं भी रहते हो, आपके पास केवल एक यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, उससे आप हर सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। पोर्टल के बारे में हमने जान लिया है, अब कर लेते हैं हम काम की बात। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन साइन इन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उपभोक्ता वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। मैंने ये पूरी वेबसाइट यहाँ पर हिंदी में की है, अगर आपको इसकी लैंग्वेज को चेंज करना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे, यूजर वाला आपको इंटरफेस मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास पहले से डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ है, यानी डिजी लॉकर ये होता है, अगर इसमें आपकी पहले से आईडी बनी हुई है, तो आपको यहाँ पर इस पोर्टल पर आईडी बनाने की भी जरूरत नहीं है। केवल डिजी लॉकर की आईडी के द्वारा हम इस पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑल इंडिया की सभी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर पर भी अकाउंट नहीं बनाया है, तो इस वेबसाइट का अकाउंट बनाने के लिए आप न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आसानी से अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालकर आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे और जो भी इस पोर्टल की यूजर आईडी आप बनाना चाहते हैं, वो यूजर आईडी यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे और सेम पासवर्ड आप यहाँ पर नीचे डालेंगे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। लास्ट में हमारे सामने एक कॉलम मिलता है पर्सनल मैसेज का। अगर यहाँ पर आप अपना कुछ पर्सनल मैसेज टाइप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे पासवर्ड का हिंट आप टाइप कर सकते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप हिंट से उस पासवर्ड को फिर निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड को फिल करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप बैक आ जाएंगे और आप अपनी यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मेरा पहले से डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डिजी लॉकर वाले सेक्शन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना यूजर नेम डालूंगा। यूजर नेम डालने के बाद मुझे पिन याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उससे मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा। मैं डिजी लॉकर आईडी से ई प्रमाण पोर्टल पर लॉगिन हो चुका हूँ। इस पोर्टल पर आपको वो सभी सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी जो ऑल इंडिया की सर्विस है, सभी स्टेट की यहाँ पर सर्विस भी मिल जाएगी। इधर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की सर्विस को देखना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप उस सर्विस को देख सकते हैं। अगर आपको कोविन की सर्विस निकालनी है, जैसे मैं कोविन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूंगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप कोविड सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद एक्सिस नाउ पर आपको क्लिक करना है। एक्सिस नाउ पर आपको क्लिक करने के बाद किसी भी यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी इसी से लॉगिन हो जाएगी। हम यहाँ पर अलो पे क्लिक करते हैं। अलो पे क्लिक करने के बाद हम कोविड की वेबसाइट में यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे।
अगर यहाँ से हम अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और आपकी जो भी स्टेट है वो यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं उत्तर प्रदेश पर। इस पर क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश की जो भी सर्विस है, जो भी वेबसाइट है, वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप जिस भी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं उस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। एक्सेस नाउ पर क्लिक करने के बाद आप उस वेबसाइट में चले जाएंगे और डायरेक्ट वहां पर लॉगिन हो जाएंगे। आपको गवर्नमेंट की स्कीम कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी भी हो, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं।